अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली ट्यू वी लॉग के साथ हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो जी आज हम बनाने लगे हैं आलू चिकन। सबसे पहले हम प्याज लेंगे 3 से 4 अदद जो हमने काट के रख लिए। उसके बाद हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लेंगे हम सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच हम लेंगे गरम मसाला। उसके बाद हम 1 अदद टमाटर लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च। तो 1 केजी हमने चिकन ले लिया और साथ में हमने आलू ले लिए। तो चले अब हम ऑन करते हैं अपना चूल्हा। तो जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले हम 3 इसमें खाने के चम्मच डालेंगे ऑयल, 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इतने फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज होके ब्राउन हो जाए। ये देखें जी इनका कलर ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें जो हमने मसाले वगैरह डालने थे, मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, वो हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जी तड़के को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तड़का अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर लिया, अब हमने इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। कलर देखिए आप कितना फ्रेश है। तो जी अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम आलू को भी अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए हमने इसको इतना भूना है कि आलू चिकन ने ऑयल छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाला है वो बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाए। तो जी अब हमारी ये मज़ेदार सी आलू चिकन की रेसिपी तैयार है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसमें अब हम ऊपर हरा धनिया के साथ अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। तो जी ये है हमारी आलू चिकन की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।